हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक टाइम्स में। आज हम बात करेंगे बेस्ट फोन अंडर 20,000 रुपीज में। 20,000 रुपये में आपको कौन सा फोन, सबसे बेस्ट कौन सा फोन लेना चाहिए, इस वीडियो में डिटेल से बात करूंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल घंटा दबा के। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो हाँ दोस्तों, आपको कौन सा फोन लेना चाहिए इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहला पिक, मेरा सबसे पहला फ़ोन जो मैं आप लोगों को आंखें बंद करके लेने को कहूँगा, वो है पोको F1। अगर आपका प्राइस 20,000 रुपये में आता है तो आप आंखें बंद करके पोको F1 खरीद सकते हैं। ये फ़ोन भी आपको उसी प्राइस में मिलेगा, मतलब 19,999 रुपये में आपको मी स्टोर से मिल जाएगा, अगर आप मी स्टोर से ऑर्डर करते हैं तो। पोको फ़ोन में क्या है, तो ये एक फ्लैक्सी प्रोसेसर इसमें दिया गया है, जो स्नैपडाउन का 848 प्रोसेसर है, जो पहले साल का फ्लैक्सी प्रोसेसर था। बहुत अच्छा बैटरी, 4000 बैटरी दिया गया है। 20 MP फ्रंट कैमरा दिया है, सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। डिज़ाइन के मामले में ये सिम मार खा जाता है, उसके बाद उसको छोड़ के ये फ़ोन बहुत ही अच्छा सपाट है। आप इसको आंखें बंद करके ले सकते हैं 20,000 के प्राइस रेंज में। और उसके बाद मैं बात करूंगा पोको के बाद, तो ऑनर का एक फ़ोन आया था जिसका नाम था, सॉरी, तो ऑनर का एक फ़ोन आया था जिसका नाम था ऑनर प्ले, जो पोको F1 से पहले आया था। आप देख सकते हैं ऑनर प्ले, ऑनर प्ले अभी बिक रहा है 14,000 रुपये में, आप खरीद सकते हैं अमेज़ॉन से। तो आप देख सकते हैं ऐसा आपको कुछ फ़ोन मिलेगा। तो ये फ़ोन मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है इस प्राइस में। इसमें हॉनर का अगले साल का फ्लैक्सी प्रोसेसर दिया गया है, अच्छा नहीं ठीक ठाक कैमरा दिया गया है, डिस्प्ले भी अच्छा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको मेरा कोई सेकेंड चॉइस है ओप्पो के बाद, तो वो ज़रूर हॉनर प्ले को ही जाएगा। तो ऑनर प्ले भी एक बढ़िया ऑप्शन है 13 या फिर 14,000 रुपये में। अभी अगर आप खरीदते हैं तो 14,000 या फिर 14,000 के रुपए में आपको मिल जाएगा, और पोको अगर खरीदते हैं तो 20,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद मेरा थर्ड चॉइस आता है पोको है जामी के एक साब ब्रांड, वैसे ही रेडमी भी एक जामी का साब ब्रांड है। तो रेडमी का मैं बात करूंगा, रेडमी नोट 7 प्रो। तो प्रो की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं रेडमी नोट 7 प्रो यहाँ पे प्राइसिंग लिस्टेड है, आपको मिल जाएगा 13,000 के रुपए में, 14,000 के रुपए में, 17,000 के रुपए में, ये दोनों वेरिएंट आपको मिल जाएंगे अगर आप खरीदते हैं तो। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आपको फ़ोन मिलेगा रेडमी नोट 7 प्रो वाला, ये विथ 48 MP। इसमें 48 MP का एक सेंसर, कैमरा सेंसर दिया गया है, आपको फ़ोन ऐसा कुछ मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइसिंग लिस्टेड है, पहला स्टार्टिंग प्राइस जो 14,000 रुपये। तो अगर मैं टेक्निकली कहूँ तो रेडमी नोट 7 प्रो ऑनर प्ले को कैमरा में बीट कर देगा, पर परफॉर्मेंस में ऑनर प्ले बहुत आगे, मतलब सुप्रीम है रेडमी नोट 7 प्रो। और अगर मैं सिर्फ प्योर परफॉर्मेंस की बात करूं इस सारे फोन में, तो पोको F1 इज द बेस्ट, ये टॉप पे आता है सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस, उसके बाद ऑनर प्ले, उसके बाद रेडमी नोट 7 प्रो। उसके बाद हम बात करेंगे एसूस के ही एक फोन के बारे में। तो एसूस ने कुछ ही दिन पहले एक फोन लॉन्च किया था, एसूस का जेन फोन मैक्स, जेन फोन मैक्स, ये लोग बहुत बड़े नाम रखते हैं, प्रो M2 बहुत ही ज़्यादा बड़े नाम रखते हैं, तो इनको छोटा करना होगा अपना नाम। तो आप देख सकते हैं एसूस जेन फोन, और आसूस भी कहते हैं, मैक्स प्रो M2, ये भी एक अच्छा फोन है अगर आप लेना चाहते हैं तो प्राइस में। तो आप देख सकते हैं फ़ोन आपको मिल जाएगा 12,000 के प्राइस में, अगर आप लेना चाहते हैं तो। फ़ोन बुरा नहीं है, इसमें क्वालकॉम का एक अच्छा खासा, सॉरी नॉट M1, ये तो M1 दिखा रहा है, M2 कहाँ है भाई। यस हाँ, तो आसूस जेन फोन प्रो M2 आप देख सकते हैं, थोड़ा लोड होने में समय लगेगा क्योंकि ये आसूस का वेबसाइट है, तो बड़ा बड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो देख सकते हैं लोड हो रहा है।
तो ये लोग एडवर्टाइज दिखा रहे हैं। तो हाँ, तो कहाँ गया अपना जेनफोन, कहाँ हो यार, ऐसे क्यों एडवर्टाइज, इतने ज़्यादा एडवर्टाइज है, या आंसू लोग करते हैं या। तो ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट, सॉरी उनका ऑफिशियल वेबसाइट, यस। तो हाँ, मैं क्या कर रहा था, मैं रोटेट करता हूँ स्क्रीन को। हाँ, आप देख सकते हैं आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 जो 12,000 में यहाँ पे दिखा रहा है। हाँ, पहला स्टार्टिंग वेरिएंट 12,000 का आप देख सकते हैं, इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर दिया गया है। अगर आपको गेम खेलना है, ये प्रोसेसर गेम खेल सकता है। तो मैं बता दूं, तो अब मैं पावर परफॉर्मेंस की बात करूं, अगर आप सिर्फ पावर परफॉर्मेंस में देखें तो पहले टॉप पे आता है पोको, उसके बाद ऑनर प्ले आता है, उसके बाद रेडमी नोट 7 प्रो आता है जिसमें 675 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 दिया गया है रेडमी नोट 7 प्रो में। उसके बाद एसूस का फोन आता है, जेन फोन आता है, मैक्स प्रो आता है जो जिसमें दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660। तो आखिर में मैं कहूँगा, अगर आपको चाइनीज ब्रांड नहीं चाहिए, अगर आप चाइनीज ब्रांड हेट करते हैं, तो आखिर का फोन मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो आखिर में मैं कहूंगा गैलेक्सी, सैमसंग का एक फोन है जिसको हम सैमसंग गैलेक्सी A50 कहते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी A50 एक बहुत बढ़िया फोन है इस प्राइस रेंज में, अगर आपको खरीदना है तो। अगर मैं बात करूं फोन के स्पेसिफिकेशन, तो पावर परफॉर्मेंस ये फोन आपको नहीं दे पाएगा। अगर इस फोन को आप कंपेयर करेंगे पोको F1, ऑनर प्ले, रेडमी नोट 7 प्रो या फिर कोई दूसरे फोन से, तो ये इतना पावरफुल नहीं है। पर इसके कुछ अच्छे फीचर है, जैसे इसका कैमरा, ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है इस प्राइस रेंज में। इवन ये पोको F1 और रेडमी नोट 7 प्रो को बीट कर देता है, इनका कैमरा इतना अच्छा है। और उनके उसके बाद इनके पास सुपर एमोलेड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, उनके पास इन्फिनिटी यू डिस्प्ले इसमें दिया गया है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दिया गया है, मतलब ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट कैमरा स्कैनर आप इस फोन में पाएंगे। तो हाँ, सैमसंग की तरफ से इस प्राइस में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा थम्सअप है। ये भी फोन आपको 20,000 के प्राइस में मिल जाएगा, और ये पोको से टक्कर लेने वाला फोन है। परफॉर्मेंस में नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा टक्कर लेगा ये पोको से, कैमरा में, डिज़ाइन में, और इनके कुछ सैमसंग के सेफ्टी फीचर, सिक्योरिटी फीचर में। तो बताइए कैसा लगा मेरे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, घंटा दबा के मैं मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे गाइस, गुड बाय, बाय बाय गाइस, बाय, एंजॉय।